ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट वन। टॉपिक समर्पणता। आध्यात्मिक विकास के लिए दो तरह की साधनाएं हैं, एक पुरुषार्थ की, दूसरी समर्पण की। कुछ साधक स्वयं के पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं, वे पूर्ण स्वावलंबी होते हैं। परमात्मा की करुणा पर भी ये आश्रित नहीं होना चाहते। उनकी साधना संकल्प की पूर्णता की साधना है। वे अपने तीव्र संकल्प द्वारा आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। परावलंबन को वे आध्यात्मिक मार्ग की बाधा समझते हैं, अतः उसे श्रमण संस्कृति कहा जाता है। वह संस्कृति जिसकी प्राप्ति श्रम द्वारा हो। चैतन्य तथा मीरा की साधना समर्पण की साधना है। हमें और कुछ नहीं करना है, केवल अपने को पूर्णतः परमात्मा के हाथों में छोड़ देना है। फिर वह सब कुछ हमारे लिए कर देता है। टॉपिक समर्पण की साधना सहज है। पुरुषार्थ की संकल्प की साधना अति श्रम साध्य है, अतः सबके लिए संभव नहीं। समर्पण की साधना सहज है, इसमें हमें अपने को परमात्मा पर पूर्ण रूप से छोड़ देना है तथा अपनी तरफ से कोई बाधा उपस्थित नहीं करनी है। जैसे बिल्ली का बच्चा माँ के लिए कोई बाधा उपस्थित नहीं करता, परमात्मा हमारे परमपिता परम कल्याणकारी है। वे करुणा के सागर, प्रेम के सागर तथा ज्ञान के सागर है। उनके हाथों में अपनी जीवन नौका की पतवार छोड़ देने पर नौका कदापि पथ भ्रष्ट नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी तरफ से चिंता छोड़ परमात्मा के श्रेष्ठ काम का साधन मात्र बन जाए। उसमें हमारा कल्याण ही होगा। यह सृष्टि नाटक एक बना बनाया खेल है। उसका प्रत्येक पार्ट हमारे कल्याण के लिए ही है। उसमें संशय उठाना व्यर्थ है, अतः हर्षित रहे। हमें सृष्टि नाटक के प्रत्येक दृश्य को साक्षी हो देखते रहना चाहिए। परमात्मा पर हमें उतना ही अटूट विश्वास होना चाहिए जितना एक बच्चे का माँ पर होता है। टॉपिक परमात्मा के प्रति समर्पित होने से सदा कल्याण। एक बार एक नवविवाहित दंपति समुद्र में यात्रा कर रहे थे। अचानक जोर का तूफान उठा और जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए, लेकिन वह युवक हर्षित मुख बना रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? युवक ने तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर टिका दी, लेकिन वह घबराई नहीं। युवक ने पूछा कि क्या तुम घबराती क्यों नहीं, जबकि तलवार की नोक तुम्हारी गर्दन पर है? उसने उत्तर दिया कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि आपके हाथों मेरा नुकसान होगा। युवक ने कहा, उसी तरह परमात्मा का मुझसे असीम प्रेम है और उनके द्वारा मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता। जो भी होगा
उसमें मेरा कल्याण छिपा होगा, अतः मैं निश्चिंत हूँ। परमात्मा के हाथों में अपने को छोड़ देने पर दुखद घटनाएं भी सुखद बन जाती हैं, शाप वरदान बन जाता और विष अमृत। अपनी ओर से चिंतित होकर हम विपत्तियों को बढ़ाते ही तो हैं। इसके अनेकों भौतिक दृष्टांत भी हैं। युवा या वृद्ध पुरुष जब ऊंचाई से गिरते हैं तो उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन छोटा बच्चा गिरता है तो कुछ नहीं होता। क्यों? युवा व्यक्ति बुद्धिमान है, वह अपने को बचाने का प्रयत्न करता है। गिरते समय अपने को बचाने के प्रयत्न में उसकी हड्डियां कड़ी हो जाती हैं। बच्ची में ऐसी बुद्धि नहीं होती है। गिरते समय भी वह निश्चिंत रहता है तथा उसमें अपनी रक्षा का कोई भी विचार नहीं उठता। उसकी हड्डियां मुलायम बनी रहती हैं और उसे कोई भी विशेष चोट नहीं आती। टॉपिक: समर्पित करने वाला ही विशेष सागर से पार। परमात्मा की इच्छा पर अपने को समर्पित कर देने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। आप देखते हैं कि मुर्दा पानी में तैरता रहता है पर जिंदा डूब जाता है। क्या क्षमता है मुर्दे में? कौन सी विशेषता है उसमें? सिर्फ यही कि वह लड़ता नहीं, वरन नदी में अपने को छोड़ देता है। नदी में अपने को समर्पित कर देने के कारण मुर्दा तैरता रहता है। नदी से बचने का संघर्ष करने के कारण जिंदा व्यक्ति डूब जाता है। तैरने की भी तो यही कला है। प्रवीण तैराक मुर्दा बनने की कला जान जाता है। वह अपने को नदी में छोड़ देता है, संघर्ष नहीं करता। परिणाम स्वरूप वह तैरता रहता है। जल तो आपको ऊपर फेंकता है, आप स्वयं संघर्ष कर नीचे चले जाते हैं। भंवर में पड़ने पर यदि कोई बचने के लिए हाथ पैर पीटता है तो वह अवश्य डूबेगा। मनुष्य की शक्ति भंवर की शक्ति के आगे नगण्य है। उससे लड़कर वह थकेगा और डूब जाएगा, लेकिन जो अपने को भंवर में निश्चिंत छोड़ देता है, उसे भंवर ऊपर फेंक देता है, वह कभी डूबता नहीं। इसी तरह जो सर्व कल्याणकारी सर्वशक्तिमान परमात्मा के हाथों में अपने को समर्पित कर देता है, वह अंतोगत्वा सदा विजयी होता है। टॉपिक: समर्पण का आधार श्रद्धा। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा बहुत बड़ी संपत्ति है। श्रद्धा ही तो समर्पण का आधार है। संशयग्रस्त व्यक्ति कभी परमात्मा को नहीं पा सकता। 20वीं शताब्दी संशय से भर गई है, अतः परमात्मा से तथा आध्यात्मिकता से बहुत दूर चली गई है। विज्ञान प्रत्येक वस्तु पर संशय करना सिखलाता है। भौतिक क्षेत्र में तो संशय की मनोवृत्ति से हमें अनेक उपलब्धियां हुई, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए संशय की मनोवृत्ति बहुत खतरनाक सिद्ध हुई। ईश्वरीय अनुभूति के लिए श्रद्धा की मनोवृत्ति अति आवश्यक है। आज के युग में श्रद्धा के पुनर्जागरण की आवश्यकता है। टॉपिक:
श्रद्धा द्वारा ही परिवर्तन संभव। तर्क चेतन मन की वस्तु है, उससे हम किसी के चेतन मन को ही प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अचेतन मन हृदय अछूता रह जाता है। चेतन मन का प्रभाव क्षणिक होता है, अतः किसी को हम तर्क से पराजित कर बदल नहीं सकते। परिवर्तन तो तभी होगा जब उसका अचेतन मन प्रभावित हो जाए। यह कार्य तर्क से नहीं हो सकता, अतः धार्मिक वाद विवाद का कहीं अंत नहीं होता। हृदय के प्रभावित होने पर ही मनुष्य बदलता है, और हृदय को प्रभावित करने वाली वस्तु श्रद्धा है। जब तक तर्क बुद्धि शांत नहीं हो जाती, मनुष्य श्रद्धा नहीं कर पाता। जागृत अवस्था में तर्क और संशय के कारण हम किसी को नहीं मानते, लेकिन सम्मोहित अवस्था में जब चेतन मन सुषुप्तावस्था में होता है, हम जो कहते हैं वह मान लेता है, क्योंकि उस समय सीधा अचेतन मन प्रभावित होता है। समर्पण की भाव दशा में भी तर्क बुद्धि शांत हो जाती है और हृदय सीधा प्रभावित होता रहता है। उस समय अंतर मन का सीधा संबंध परमात्मा से हो जाता है। परमात्मा से शक्ति, प्रेम तथा आनंद की तरंगे प्रवाहित होकर हम में प्रवेश करने लगती हैं। बिना संपूर्ण समर्पण के अंतर मन का पूरा परिवर्तन संभव नहीं। यह समर्पण परम पिता परमात्मा के प्रति भी हो सकता है, अथवा किसी श्रद्धास्पद महान व्यक्ति के प्रति भी। टॉपिक: अहम का विसर्जन ही समर्पण है। समर्पण का अर्थ अहम का पूर्ण विसर्जन है। शूद्र अहम के कारण ही सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध नहीं जुट पाता है। अहंकार के उन्मूलन के बाद परमात्मा की सर्वशक्तियाँ हम में प्रवाहित होने लगती हैं। गज ग्रह युद्ध और चीर हरण इसी का प्रतीक है। जब तक गज अपनी शक्ति के अहंकार से भरा रहा, ग्रह उसे जल में खींचता चला गया। अंतो गत्वा जब उसका अहम टूटा और पूरे हृदय से उसने परमात्मा से रक्षा की प्रार्थना की, तो ईश्वरीय शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगी और ग्रह मारा गया। द्रौपदी को भी जब तक अपने पतियों की शक्ति पर विश्वास था, परमात्मा की सहायता उसे ना मिल सकी। सब तरफ से निराश होकर जब उसने परमात्मा को पुकारा, तो परमात्मा तत्क्षण उपस्थित हो गए। गीता में परमात्मा का आदेश है, मामेकम शरणम व्रज, लेकिन हम केवल एक परमात्मा की शक्ति का भरोसा ना लेकर अनेकों का भरोसा करते रहते हैं। फलस्वरूप दो नाव पर पांव रखने वालों की हमारी गति हो जाती है। समर्पित व्यक्तित्व शून्य होता है, उसमें कोई आशा, आकांक्षा, कामना और वासना नहीं होती। वह परमात्मा का यंत्र, उनका वाद्य बन जाता है। मुरली की तरह वह भीतर से रिक्त होता है। परमात्मा के स्वरों के लिए वह कोई अवरोध नहीं करता। वह जो चाहे, जैसा चाहे, वैसा बन जावे। तभी तो मुरली का इतना गायन है, धन्य है वे लोग जो परमात्मा की ज्ञान मुरली, ज्ञान वीणा
बन जाते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है, कृत्य है, कृतार्थ है। टॉपिक: समर्पण के सर्वोत्कृष्ट आदर्श। पिता श्री और श्री मातेश्वरी समर्पण के सर्वोत्कृष्ट आदर्श थे। निराकार परमात्मा शिव के एक संकेत पर रंच मात्र भी हिचकिचाहट दिखाए बिना पिताश्री ने अपना सर्वस्व ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर दिया। 35 वर्षों की लंबी अवधि में उन्हें स्वयं में भी संशय ना उठा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कभी क्या, क्यों, कैसे का प्रश्न नहीं उठाया। इतना संपूर्ण था उनका तन मन धन का समर्पण। उन्होंने यश मान कामना का तो क्या, अपनी बुद्धि को भी समर्पण कर दिया था। तभी तो उनका निराकार परमात्मा से पूर्ण तदात्म्य स्थापित हो गया था। उस सर्वशक्तिवान की शक्ति से वे भी शक्ति संपन्न बन गए थे। उस प्रेम सागर की तरंगों से तरंगित होकर वे भी प्रेम स्वरूप बन गए थे, तथा उस आनंद सागर की लहरों में सदा आनंदित रहकर वे लहराते रहते थे। श्री मातेश्वरी जी का निराकार परमात्मा शिव तथा उनके साकार रूप पिताश्री पर समर्पण भी ऐसा ही आदित्य था। पिताश्री के कठिन से कठिन आदेशों पर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह कैसे होगा, और सदा जी बाबा कहा। तभी तो ये दोनों आज दैवी जगत के दिव्य नक्षत्र बन गए हैं, जिनके दिव्य प्रकाश में पथभ्रष्ट जीव आत्माएं सच्चे पथ का पथिक बन जाते हैं, और संशयग्रस्त जीवात्माएं अपने संशय का निवारण पाकर लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सहज पुरुषार्थ के लिए बाप दादा के महावाक्य: यह मैपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइस, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखरीन अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 69। यह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी
तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 69। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत सदा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नज़दीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बनकर के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 19 जुलाई 69। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है, हम भी सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। अव्यक्तवाणी 13 नवंबर 69। नष्ट मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्ट मोहा बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्ट मोहा बनना। नष्ट मोहा बनना सहज है वा मुश्किल है? जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण ना करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं। चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 70। महारथी बनने लिए सिर्फ दो बातें याद रखो। कौन सी?
एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी, वह है महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो, लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ, तो जहां बाप दादा साथ है, वहां माया दूर से मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती है। अव्यक्त वाणी, 23 अक्टूबर 70। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो, तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला, सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। कितनी भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त वाणी, 13 मार्च 71। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है, तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए, हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही ना होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना? फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए। बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो, तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़, एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता, तो साकार इतना प्रिय थोड़ा ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है,
वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। अव्यक्त वाणी 4 जुलाई 71। ओम शांति।